में बात देखा जा संस्कृत के व्याकरण के प्रकरण में वाच्य परिवर्तन की तिथि के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन की कितनी विधियां हैं, किस प्रकार से वाच्य परिवर्तन करते हैं, कर्तृवाच्य परिवर्तन के क्या नियम हैं, कर्मवाच्य परिवर्तन के क्या नियम हैं और भाववाच्य परिवर्तन के क्या नियम हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य वाक्य बदलने के लिए विधि पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए वाक्य में कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदलते हैं। नियम नंबर एक है, यदि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदलना हो तो सबसे पहले वाक्य में कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदलते हैं, उस वाक्य के कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदलते हैं और कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार क्रिया को परिवर्तित करते हैं। एक बार पुनः ध्यान से सुनेंगे कि यदि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदलना हो तो वाक्य में कर्ता को तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करते हैं, कर्म को प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित करते हैं और कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार ही क्रिया बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रामन पाठम पठति, रामन ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, पाठम ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन की है जिसका अर्थ होता है राम पाठ पढ़ता है। यह वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसकी क्रिया जो है सकर्मक है। अब इससे यदि हम कर्मवाच्य में बदलना तो नियम के अनुसार हमने कहा था कि कर्ता को तृतीया में, तो राम शब्द को तृतीया में बदलने पर बनता है रामेण। इसके बाद से कर्म को प्रथमा विभक्ति में, पाठम शब्द को प्रथमा विभक्ति में बदलते हैं तो बनता है पाठ है। और कहा था इसने कि क्रिया जो है वो कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार, तो कर्म के पुरुष और वचन कर्म है प्रथमा विभक्ति में, तो प्रथमा विभक्ति में यानी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लग गई पठ्यते, जिसका अनुवाद हुआ राम द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। यह वाक्य बदल गया कर्मवाच्य में, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदलने के लिए उसके कर्ता को तृतीया विभक्ति में, कर्म को प्रथमा विभक्ति में और क्रिया को कर्म के अनुसार ही प्रथम पुरुष के वचन के अनुसार लग जाती। नियम नंबर दो, नियम नंबर दो है यदि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाक्य को बदलना हो तो कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदलते हैं, कर्म इसमें होता नहीं है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य वाक्य में बदलने के लिए सर्वप्रथम कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदलना पड़ता है और जो क्रिया है वह प्रथम पुरुष एक वचन ही लगाई जाती है, प्रथम पुरुष एक वचन, और वो क्रिया जो होती है वह आत्मनेपदी धातु में लगाई जाती है। जैसे दो उदाहरण लिखा हुआ है कि बालकः हसति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य लिखा हुआ है कि बालकः हसति
यानी बालक हंसता है, जिसमें कर्म नहीं है, लिखा हुआ है क्रियात्मक है। इसे यदि भाववाच में बदलना हो तो नियम के अनुसार कर्ता को तृतीया में तो बालक को तृतीया में परिवर्तित करने पर हुआ बालके, और हस्ती क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगती है तो हस धातु आत्मनेपदी में बदलने पर बनता है हस्यते, बालके हस्यते जो भाववाच का वाक्य बनता है। किंतु यदि बहुवचन का वाक्य ले वयम हसाम, ये भी कर्मवाच्य कर्तृवाच्य का वाक्य है कि कर्म है ने, नियम के अनुसार कर्ता को तृतीया में तो वयम प्रथम पुरुष बहुवचन है तो तृतीया घटी बहुवचन इसका बनता है अस्माभि, किंतु कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं लगती, यहाँ क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाती है तो लिखा हुआ है हस धातु का हस्यते, यानी हस्ता है हस्ती का भी हस्यते और अस्माभि के साथ भी हस्यते। कर्ता प्रथमा से तृतीया में बदलता है वचन के अनुसार किंतु क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन के रहती है, ये वाक्य भाववाच्य का अस्माभि हस्यते। धन्यवाद।